अगर मैंने आपको सही पहचाना तो आप ही रमे। जी मैं रमी हूँ। मेरी माँ ने मेरी परवरिश की, वो एक वर्किंग वूमन है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया सिवाय अपने वक्त के। कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब? आप वही कीजिए ना जो आपकी बहन चाहती हैं, आपका भांजा चाहता। बात को घुमाओ मत, तुमसे एक सीधा सवाल पूछा उसका जवाब दो। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी बेटियों को लेकर दारुल अमान जा रही हूँ, वहीं हमें अमान मिलेगा। क्या ऑल फॉल बक रही हो? और ये क्या हुआ है घर में? हुआ क्या? आज मेरी बच्ची की किताबों को आग लगाई थी, कल को हमें आग में झोंक देंगे फिर? अरे डांट तो दिया आपने, अब क्या जान ले लें उसकी? डांट दिया है बस, मेरी बेटी की पढ़ाई का मामला है। करता हूँ उसका कुछ, करता हूँ। ये सामान रखो, तुम कहीं नहीं जा रही। चेहरे पे इतनी उदासी, लगता है हमारी बेटी को कॉलेज छोड़ने का दुख हो रहा है। ऐसी बात नहीं है बाबा। तो फिर कैसी बात है बेटा? बाबा वो इरम हमेशा के लिए यूएस जा रही है। इम्तिहान दिए बगैर? पता नहीं उसने क्या सोचा है, पता है बहुत दुखी है वो बेचारी, माँ बाप के प्यार को तरसी हुई है। लेकिन मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे बाबा आप हैं। किधर रह गई है? सुरैया, सुरैया। जी गुरु। मरियम अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई है। गुरु डॉक्टरी का रिजल्ट है, कोई मजाक थोड़ी ना है, थोड़ी देर तो लगेगी। हाँ तो सही कह रही है, मेरी बेटी आज डॉक्टर बन जाएगी। वैसे गुरु आपने उसे तब से डॉक्टर कहना शुरू कर दिया था जब से वो आपकी गोद में आई थी, याद है? हाँ, मैंने ख्वाब देखा था और मेरी बेटी ने उसे पूरा कर दिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सुरैया मिला, मरियम को फोन मिला। गुरु मरियम नहीं, डॉक्टर मरियम। डॉक्टर मरियम,
क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? हाँ बोलो, क्या हुआ? तो बाबा, मैंने पूरे सूबे में टॉप किया है और मुझे गोल्ड मेडल भी मिलेगा। लाज रखना मेरे खुदाया, तूने बनाया। हद निगाह तेरी, रहमतें तेरी, सादतें, जाऊं जहां पाऊं तेरी इनायत। लाज रखना मेरे खुदाया, तूने बनाया गुरु। लाज रखना मेरे खुदाया। सलमान, और जल्दी नाश्ता ले आ, मरियम के जाने का टाइम आ गया है, अस्पताल जाना है। ये क्या कोट कहाँ है तुम्हारा? लीजिए, आ गया गर्मा गर्म नाश्ता बाप और उसकी डॉक्टर बेटी के लिए। क्या मतलब बाप और उसकी बेटी के लिए? तुम्हारी नहीं कुछ लगती? बेटा तुमने मेरे सवाल के जवाब नहीं दिया, कोर्ट कहाँ है तुम्हारा, अस्पताल नहीं जाना? बाबा मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ हाउस जॉब का पता करने के लिए। हाउस जॉब पूरी होने के बाद मैं मुकम्मल डॉक्टर बन जाऊंगी। ये क्या बात हुई, इतने साल पढ़ने के बाद भी डॉक्टर नहीं बनी? बेटा इसका मतलब है तुम अब लोगों के घर जाके डॉक्टरी करोगी। बाबा हाउस जॉब का मतलब ये नहीं है कि मैं घर जाके लोगों का इलाज करूंगी, उसका मतलब यह है कि मैं सीनियर डॉक्टर्स के साथ, जो मुझसे सीनियर है, उनके साथ काम करूंगी, तजर्बा हासिल करूंगी, ताकि फिर मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं और फिर मैं लोगों को पर्सनली देखना शुरू करूंगी। मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, मुकम्मल डॉक्टर बन चुकी हूँ। अब मैं जरा लेट हो रही हूँ, मैं बस ये खाती हूँ, मैं बाद में खा। ओके खुदा हाफिज़। हम लेट पड़ा तुम्हारा, समझ में आई उसकी बात? आ गई मेरी मरियम, एक डॉक्टर के साथ तजर्बा लेगी एक पूरा साल, फिर सही डॉक्टर बनेगी। वैसे गुरु आप बड़े समझदार हो। मैं बस तुझे पता है फिर मेरा ये क्या, टोस्ट ठंडे खा लेना। फ्रेश लेट हो गया मरियम, पहले पहुंच जाएगी। सालार बेटा कहाँ जा रहे हो? जहाँ रोजाना जाता हूँ माँ, कॉलेज। बस कर दो, 5 साल हो गए हैं तुम्हें जाते हुए कॉलेज। माँ 5 साल पूरे नहीं हुए, अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई मेरी। अच्छा नाश्ता करो, और वैसे भी क्या करोगे, MBBS करना था वो तुमने कर लिया, संभालना तो तुमने अपने पापा का बिजनेस ही है ना। माँ वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन पहले भी, और मुझे सिर्फ MBBS नहीं करना था, मुझे लोगों की खिदमत भी करनी थी। बेटा हम लोग लोगों की खिदमत करने के लिए नहीं है। माँ बस फिर आप दोबारा से वो अमीर गरीब की डिबेट शुरू मत कर दीजिएगा, मुझे देर हो रही है, मैं जा। तुमने जो करना है ना तुम्हारी मर्जी करो, मगर जो मैंने सोचा है ना तुम्हारी शादी का। शादी? माँ क्या मजाक कर रही हैं? मैं सीरियस हूँ, और मैंने 2-4 लड़कियां देख भी ली हैं, मुझे सब अच्छी लगी, तुम्हें दिखा दूंगी, जो तुम्हें अच्छी लगेगी उससे तुम्हारी शादी तय कर देंगे। सालार, माँ, सालार, सालार,
कि आजकल के बच्चों को क्या हो गया, शादी के नाम पर भागते हैं एकदम। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं उस फाखरा की लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। ये कैसी जिद है अम्मी, मैंने जो कहना था कह दिया है। मैं शादी करूंगा तो बस हरीम से ही करूंगा। ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे उस लड़की में? हाँ बस लगे। और आप ना अपनी ओमानी और अपनी लड़ाई के बीच में ना उसमें मुझे और हरीम को बीच में मत लाएं। वाह बेटा वाह, मुझे और हरीम को बीच में ना लाएं। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में है? ये इश्क का भूत ना अपने सर से उतार दे शिराज। इश्क? शर्म तो नहीं आती ना माँ के सामने इश्क की बात में कैसे दांत निकल रहे? अरे अम्मी इधर है, यहाँ बैठे। छोड़। बैठे तो कोई इश्क नहीं, कोई मोहब्बत भी नहीं। हरीम से शादी करना मेरी जिद है, उससे शादी करके उसकी सारी अकड़ निकाल दूं। तो क्लासे क्या पढ़ ली है उसने, बहुत अकड़ आ गई ना उसमें। नहीं मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं अपने अकलौते जवान बेटे के मत्थे उस फाखरा की बेटी को ला मारूं। आई समझ? अच्छा अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं तो? मतलब? मतलब ये कि मेरे और हरीम के रिश्ते से मामू की जो भी जायदाद है, मकान दुकान, इसमें हमें हिस्सा मिल सकता है। और वो दो और बेटियां जो उनकी हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा? थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनको भी दे देंगे। पर आप सोचिए ना, हरीम का हिस्सा तो हमारे पास आ जाएगा ना, और मायरा का हिस्सा तो हम पूरा ही खा जाएंगे। हाँ तेरी बात कुछ कुछ तो मुझे समझ आ रही है। बस यही समझा रहा था मैं आपको इतनी देर से, शुक्र है आपको समझ आ। बस बस ज्यादा सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, करूंगी बात वसीम से, करती हूँ। कमाल है भाई, वाह भाई वाह, अम्मी बड़ी ही लालची है। पहले तो कुछ बात समझ नहीं आ रही थी, जैसी पैसे की बात आई सब समझ आ गया। जबरदस्त है। तुम बाहर क्यों खड़े हुए हो, अंदर क्यों नहीं आए लेटर लेने के लिए? लेटर मिल गया तुम? कहाँ? गुड हॉस्पिटल। गुड, कब से कर रही हो जॉइन? मैं तो जॉइन कर ही लूंगी, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, इतने संजीदा क्यों हो? इसने यार माँ ने सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया मैंने। क्यों? चाहती है कि मैं शादी कर लूं। तो? ओ नहीं, तुम तो अभी शादी नहीं कर सकते, तुम्हें तो हाउस जॉब करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद कहीं तुम शादी का सोचोगे, है ना? तो ये बात जाके माँ को बता दो, नहीं लंबी प्लानिंग की हुई है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर कैसा काम? भूख लग गई? खास नहीं, मुझे लगती है जोर से। तो फिर पहले हम कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने
क्या कहा, क्या डिसाइड किया। बातें घुमा लो तुमसे जितनी मर्जी। गाड़ी भी घुमा सकता हूँ, ये देखो ये घुमाने वाली गाड़ी। बेगम आपको यूं अचानक सलार की शादी का ख्याल कैसे आ गया? फिर तो वो कॉलेज से फ्री हुआ है। तो अब उसने करना क्या है? नौकरी तो करनी नहीं है, इस उम्र में शादी हो जाएगी तो अच्छा है ना। तुम्हारी बातों से लगता है कि बेगम तुमने उसके लिए कोई लड़की पहले से तलाश करके रखी हुई है। आप ठीक समझें, मिसेज रियाज ने अपनी बेटी के लिए दबे लफ्जों में कहा है। बहुत अच्छी फैमिली है और हमारा स्टेटस भी बराबर का है। वो तो सब ठीक है बेगम, लेकिन सारे फैसले तुम तो नहीं कर सकती ना। सलार से भी उसकी मर्जी को पूछ लो, ऐसा ना हो कि रियाज साहब की बेटी में उसकी कोई दिलचस्पी ना हो। तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी लड़की सिलेक्ट कर लूंगी, बस सलार मान जाए। और प्लीज आप उससे बात करें ना। चलो ठीक है, मैं फिर पाकिस्तान आता हूँ तो फिर उससे बात करता हूँ। आप कब आ रहे हैं? हाँ बस थोड़ा वक्त लगेगा मुझे आने। बस ठीक है, आप आ जाएं तो फिर बात करते, मगर एक बात है, लड़की मैं अपने मेयार के मुताबिक लाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बातें घुमाई जा रहे हो, कोई एक सीधी बात नहीं की तुमने अभी तक। मुझे ये तो बताओ तुम्हारी अम्मी की शादी वाली ख्वाहिश का क्या हुआ जो तुम्हारी को करना नहीं? करनी है शादी मुझे, जाहिर है हर किसी को करनी होती है एक टाइम पर आकर, जब आपकी जॉब हो जाती है या डिग्री कंप्लीट हो जाती है, हर किसी को करता है, हर कोई करता है, तुम्हें भी करनी होगी, मुझे भी करनी है। तो घर जाके बताओ ना किससे करनी है। मेरी उल्टी सीधी बातों को आप कभी तवज्जो फरमाए, तेरे मेरी और रुके मुलाकात कभी, तसव्वुर की दुनिया से सच में जरा बदले इस दास्तां को कभी, दे दे थोड़ी जगह अपने फ्यूचर में भी, मुझको दिल में बसा ले कहीं। सैयारों सा आवारों सा भटके से दिल फिगारों सा, कब तक फिरूं मैं तेरे गिर्दो यारा, कभी तुम भी तो आ जाओ लेकर अपनी कहानी, बीती गुजरी पुरानी सुनाने मुझको यारा, कभी लाओ दिल को अपने गमों से खाली करके, ले जाओ मेरा गुल्लक खुशियों का जो है सारा। कैसे भला मेरे दिल की तजारत मैं तुमसे कर। देखो देखो I'm really sorry अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है, but मुझे पता है कि मैं अपने दिल की बात किसी और तरीके से भी कर सकता था, लेकिन तुम तो मुझे जानती हो, या मुझे बातें छुपानी आती हैं या इस तरह से बतानी आती। कब से छुपाई हुई थी ये बात दिल में? जब से तुम्हें पहली दफा देखा ना, तब से। क्या मैं मतलब है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं, ना तुम्हें खुशी नहीं होगी अगर मेरी शादी तुमसे हो जाए? मेरी जिंदगी के फैसले मेरे बाबा करते हैं। हाँ हाँ उनको तो मैं देख लूंगा, मेरा मतलब ये है कि तुम जब कहोगी तो मैं अपनी माँ और बाबा को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया। बाबा से इस बारे में बात करना कोई आसान बात नहीं है। मतलब तुम बात करोगे? घर चलो। वैसे अगर तुम कहो तो मैं बात कर लेता हूँ तुम्हारे बाबा से।
मेरी उल्टी सीधी बातों को आप कभी तवज्जो फरमाए, तेरे मेरी और रुखे मुलाकात कभी तसव्वुर की दुनिया से सच में जरा बदले इस दास्तां को कभी। अच्छा लड़का है साला, बड़ा ही शरीफ है, मुझको दिल में बसा। तुम्हें वो वाकई पसंद है? आप चंद एक बार मिले हैं उससे और आपको उसकी अच्छाई नजर आ रही है। मैं तो 5 साल से उसके साथ हूँ। आगे आप खुद ही समझदार हैं, और वैसे भी मेरे पास कोई रीजन नहीं है उसे नापसंद करने की। आप हंस क्यों रहे हैं? हीरे जैसी बेटी है हमारी, सालार की तारीफ में 100 बातें कर रही है लेकिन अपनी जबान से नहीं कह रही कि उसे पसंद करती। आप खुद ही समझ जाए ना चाचू। समझ गया भाई, समझ गया। आप मेरा एक और काम करेंगे? भाई साहब से बात करनी है ना, कर लूंगा। आप बात करेंगे बाबा से? करूंगा, और उन्हें सब कुछ बताऊंगा। और फिर हम एक काम करेंगे, हम सालार के घर वालों को यहां बुला लेंगे। खुश? सुने जरा मेरी उल्टी सीधी बातों को आप कभी तवज्जो फरमाए, तेरे मेरी और रुखे मुलाकात कभी तसव्वुर की दुनिया से सच में जरा बदले इस दास्तां को कभी दे दे थोड़ी जगह अपने फ्यूचर में भी। बाखरा, कब से आवाजें दे रहा हूं, कहां रह गई हो तुम? किचन में काम कर रही थी। वो कोई काम है? खबरी सुनानी है। आपा ने शिराज के लिए अपनी हरीम का रिश्ता मांगा है। अपनी हरीम? आज बेटी को अपनी कैसे कह दिया आपने? मैं तुम्हारे ताने सुनने नहीं बैठा यहां, जो बोला है वो सुन लिया ना? सुन लिया है। और इसलिए अंदाजा हो गया है कि आज अपनी बेटी के लिए इतनी मोहब्बत क्यों जाग रही है आपके? मैं शिराज से हरीम की शादी नहीं करूंगी। तुम होती कौन हो? होती कौन हो तुम फैसले करने वाली? माँ अगर पैदा कर सकती है तो फैसले नहीं कर सकती। आपा को इनकार नहीं कर सकता मैं, और मैं हरीम की शिराज से शादी नहीं कर सकती। वो हरीम के लायक ही नहीं है। क्यों? तुम्हारी बेटी आसमान से उतरी है? बेटियां तो आसमानों से ही उतरती हैं, बस बेकदरों के हाथ लग जाती हैं। बहुत बातें बनानी आ गई हैं तुम्हें। मैं आपा को हां बोलने जा रहा हूं, अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार कर दूं। आसमान से उतरी है। गुरु, क्या हो गया है आपको? देखिए, ये तो अच्छी बात है ना कि हमारी मरियम की शादी हो जाएगी। हाँ, बात तो खुशी की है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मरियम को खुद से जुदा करना होगा। पता भी नहीं चला वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसको रुखसत करना होगा। मैं तो इस तसव्वुर से ही कांप गई हूं।
गुरु, बेटियां भी आना तो दस्तूर है ना, यही निजाम है। तो मैं कौन सा निजाम के खिलाफ हूं? मैं तो चाहती हूं कि मैं मरियम का हाथ किसी अच्छे मोहब्बत करने वाले के हाथ में दूं, मगर दिल तो एक बार बैठ गया है। हौसला रखें, लड़का देखा बाला है, अच्छे खानदान का है। सलार बड़ा बीबा बच्चा है, बहुत ख्याल रखेगा मरियम का। हाँ मुझे यकीन है, पक्का बहुत खुश रखेगा हमारी मरियम को। अगर मरियम की खुशी है तो मेरी भी खुशी है। गुरु, आपको कैसे पता चला कि मरियम भी यही चाहती है? तो बिल्कुल पागल है, मैं मरियम को नहीं जानती। जो लड़की खुद पैगाम लेके घर आए उसकी रजामंदी होगी या नहीं? अरे अल्लाह, मेरे जहन में तो ये बात आई नहीं। जा कह दे उसे कि उसके बाप को कोई एतराज है, बुला ले सलार लो। सच्ची गुरु, मैं भी मरियम को बता क्या। हाँ वसीम, फिर तुमने क्या सोचा? सोचना कैसा है, कब करना है इन दोनों का निकाह? बड़ी आप आओ तुम मेरी, तुम्हें इनकार कर सकता हूँ? बोला तुम कहो तो अभी निकाह बुलवा लेता हूँ, अभी निकाह पढ़ा देते हैं। लेकिन 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 का यहाँ क्या काम? हरीम की माँ इनकारी हुई भी है। तुम्हारी बीवी की इतनी मजाल कि तुम्हारे सामने इनकार करे? ये बात नहीं आपा। फिर क्या बात है? अच्छा, कहीं वो तुम्हारी मासूम शक्ल वाली बच्ची पढ़ाई लिखाई के बहाने बाहर किसी के साथ चक्कर तो नहीं चला रही? क्या बातें कर रही हो आपा, टांगे नहीं तोड़ दूंगा उसकी मैं। फिर इनकार की क्या वजह है? पता नहीं आपा, फाखरा का दिमाग खराब हुआ है। देखो वसीम, ऐसे कामों में माएं साथ देती हैं, राजदार होती हैं यारों के। क्या बात कर रही हो, मेरा दिमाग खराब कर रही हो ऐसी बातें करके। इज्जत खराब होने से बेहतर है कि दिमाग खराब हो जाए। देख मेरे भाई, मेरी बात मान ले, मैं बहन हूं तेरी, इन दोनों का निकाह पढ़वा दे, घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी, फिर बाहर ये किसी से वादे करते नहीं फिरेगी तुम्हारी बच्ची। आप घबराओ नहीं, हरीम की शादी शिराज से ही होगी, तुम फिक्र नहीं करो। ठीक है, मैंने कह दिया ना, घबराने की कोई बात नहीं है, बस जाओ तुम निकाह की तैयारी करो। निगाह तेरी रहमतें तेरी सादतें, जाऊं जहां पाऊं तेरी इनायतें। लाज रखना मेरे खुदाया तूने बनाया गुरु, लाज रखना मेरे खुदाया तूने बनाया गुरु, तेरी रजा के बिना कुछ भी हो कैसे शुरू। मैं तब गुरु। भाई साहब, बड़ी चलती हुई दुकान है, मौके की दुकान है गुरु।
ये यही रहता है? कौन ये? हाँ सत्तार भाई। भाई बड़े ही अच्छे आदमी है। आदमी आदमी नहीं है, गुरु है। गुरु ख्वाजा सिरा का, ख्वाजा सिरा भक्तो, ये दुकान जरूर लूंगा। जमान बड़ा अच्छा मौका मिला है हिसाब पूरा करने का। चल भाई चल, मिठाई का इंतजाम कर, दुकान पक्की। हद ही हो गई, अरे हद ही हो गई। मैं तो इन लोगों से रिश्ता लेना ही नहीं चाहती थी, मैं तो इस काबिल नहीं समझती इन लोगों को, उल्टा इन्होंने मुझे इनकार कर दिया। वाह 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 वाह, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है शिराज, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। अम्मा परेशान मत हो, मामू सब संभाल लेंगे। कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हैं? अरे वो तो बात की बात है ना, लेकिन तुम्हारी गैरत तो कहीं मर खप गई है। अरे एक बार कहीं से इनकार हो जाए ना तो दोबारा पलट कर नहीं देखना चाहिए उसको। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी जज्बाती क्यों हो रही हैं। जज्बाती ना हूं तो और क्या करूं, मेरी गैरत अभी जिंदा है। तो आपको क्या लग रहा है कि बेइज्जती सिर्फ आपकी हुई है? लग नहीं रहा, मेरी ही बेइज्जती हुई है। चले अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा ही सही, आप सिर्फ हरीम को अपनी बहू बनाने पे तवज्जो दें। एक दफा वो आपकी बहू बन गई ना तो ये जितनी बेइज्जतियां हो रही ना इन सब का बदला मिल जाएगा, वो भी सोच समझ। सोच तो मैं भी कुछ यही रही हूँ, लेकिन तुम सिर्फ शादी के ख्वाब ना देखो, कुछ काम काज पे ध्यान दो समझे, पैसे के बंदोबस्त करो कुछ। हाँ वो भी कमा लूंगा पैसे। बातों से काम नहीं चलता, उसके लिए काम करना पड़ता है। खाना खा लूंगा। खाओ भाई। बाबा बाबा कहाँ हैं आप? क्या हुआ मरियम, क्या हुआ, ये क्या है? मैंने आपको अपनी हाउस जॉब के बारे में बताया था ना कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कहाँ लगी है नौकरी? वो करीब में ही है, गुल हॉस्पिटल वहां। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, वहां हमारे जैसे लोग आते हैं इसी वजह से इस बात की ज्यादा खुशी है। सलमान सुना तूने मरियम की नौकरी? पता है मुझे, आपके घर पहुंचने से पहले दुकान रस्ते में आती है, आपसे पहले खबर हो गई थी। चलो इसी खुशी में जो है ना बाहर जाके खाना खाते हैं। बाहर क्यों? आज हम खाना घर में खाएंगे और साथ स्वीट डिश भी खाएंगे। लो ये तो हम हर रोज करते हैं। लेकिन रोज आप डॉक्टर मरियम सितार के हाथ का खाना नहीं खाते। मैं तैयारी करती हूँ।